नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा फाउंडेशन में। मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है और आज इस वीडियो में हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि कितने प्रकार की होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे और उच्चारण के आधार पर हम स्वर संधि का वर्गीकरण करेंगे और जानेंगे कि कोई शब्द स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि में कैसे आता है बिना किसी रूल को फॉलो किए हुए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपना बहुमूल्य कमेंट दें। तो शुरुआत करते हैं संधि। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहते हैं। कोई भी दो वर्ण हो और अगर उन्हें मिलाकर कोई नया वर्ण बन जाए तो उसे क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। कन्फ्यूज़न यहाँ पर समास में आता है। दो शब्दों से जब कोई नया शब्द बनता है, विकार उत्पन्न होता है, तो उसे समास बोलते हैं, जबकि दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम लोग इसमें स्वर संधि का डिस्कशन करेंगे और इनके पांच भेद हैं उनके बारे में भी जानेंगे, लेकिन बिना किसी रूल का प्रयोग किए हुए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दीर्घ संधि में। संधि में आपने आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री का ध्यान रखना है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री का ध्यान रखना है। जब भी आप किसी शब्द का उच्चारण कर रहे होंगे तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये शब्द अब उसके अंदर शामिल है या नहीं है। तो सबसे पहले तो दीर्घ संधि होती कि हम डेफिनेशन भी जान लेते हैं। यदि पहले शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ, मतलब छोटा या बड़ा, आ, ई, उ, री में से कोई एक वर्ण हो, मतलब छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ और री, इनमें से कोई शब्द हो और दूसरे के प्रारंभ में समान वर्ण हो, मतलब आ के साथ आ हो, बड़ा आ के साथ बड़ा आ हो, इस तरीके से जो भी नया वर्ड बनेगा वो हमेशा दीर्घ होगा। मतलब यहाँ पर आपको कौन कौन से वर्ड देखने को मिलेंगे? बड़ा आ मिलेगा, बड़ा ई आएगा, बड़ा उ बनेगा और री। ये चार वर्ड जो है दीर्घ संधि में बनते हैं। तो इनके हम एग्जाम्पल देखते हैं और उच्चारण के हिसाब से हमें देखना है क्या उच्चारण में ये वर्ड हमें मिलते हैं। तो सबसे पहला वर्ड बिहार पीसीएस में पूछा गया है, परमार्थ, परमार्थ। तो इसमें आ जो है बड़ा आ रहा है, परमार्थ, पुस्तकार्थी, पुस्तकार्थी, उत्तमांग, उत्तमांग, बड़ा आ मिल रहा है, धनार्थी, दैत्यारी, देहांत, वेदांत, सूर्यास्त, रामावतार, रामायण, शिवायन, शब्दार्थ, गीतांजलि, यहाँ पर भी क्या है, बड़ा आ हमें मिल रहा है, हिमालय, शिवालय, रत्नाकर, पुस्तकालय, देवालय। तो यहाँ पे देखा बड़ा आ शब्द जो है हमें जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें मिलता है, विद्यालय, वा, परमानंद। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ा से हमने जो है रिलेटेड वर्ड सुने। अभी बड़ी ई की बात करते हैं, कवींद्र, रवींद्र, अतीत, हरीश, कपीश, महेंद्र, नदीश, रजनीश। तो ये क्या है, बड़ी ई हमें यहाँ मिल गया। ऊ का डिस्कशन कर लेते हैं, भानुदय, सूक्ति, लघुर्मी, लघु उर्मी, बड़ा ऊ मिला, लघु उर्मी, बड़ा ऊ, लघु, लघु उर्मी, लघु उर्मी, बड़ा ऊ मिल रहा है, वाधुसव, गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश, बड़ा ऊ मिल रहा है। री की बात करते हैं, मातृणाम, मातृणाम, री मिल रहा है, मातृ, तृणाम, ये क्या है, दीर्घ संधि है। गुण संधि पर डिस्कशन करते हैं। उच्चारण के आधार पर जब हम दो शब्दों को, दो वर्णों को मिलाएंगे, पहले शब्द के अंतिम अक्षर को और दूसरे शब्द के प्रारंभिक अक्षर को, तो वहाँ से हमें ए, ओ और अर मिलता है। उच्चारण से समझते हैं, देवेंद्र, सुरेंद्र, नरेंद्र, सुरेश, नरेश, खगेश, गणेश, महेंद्र, परमेश्वर, रमेश, महेश्वर, यहाँ पर हमें क्या शब्द मिल रहा है, ए। ओ की बात करते हैं, सूर्योदय, ओ मिला, जलोदय, परोपकार, लोकोपयोग, जलोर्मी,
महोपदेय ओ मिल रहा है, महोत्सव महोदय, देवर्षि देवर्षि, देव प्लस ऋषि देवर्षि, तो हमें क्या मिल रहा है उच्चारण में अर शब्द मिल रहा है, देवर्षि, सप्तर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, तो क्या मिल रहा है हमें शब्द अर, ठीक है। तो अगर हमें ये शब्द उच्चारण में जो है मिलते हैं तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। वृद्धि संधि के बारे में जानते हैं, वृद्धि संधि अय और औ दो शब्द हमें जो है किसी भी दो स्वर को मिलाने पे हमें अगर शब्द में अय और औ मात्रा में मिल जाते हैं तो वो कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। एग्जाम्पल से देखते हैं, एकैक तत्रैव मतैक्य बिहार पीसीएस 1995, सर्वदैव सर्वदैव सदैव तथैव महेश्वर्य, क्या मिल रहा है हमें अय मिल रहा है। अगर हम औ की बात करें, वनौषधि जलौक परमौज परमौषध वनौषध महौज महोदार्य महौषध, क्या मिला हमें अय और औ वृद्धि संधि में जो है उच्चारण के समय सुनने को मिलते हैं। यण संधि में जब हम दो स्वर को आपस में मिलाते हैं, पहले के अंतिम स्वर को और दूसरे शब्द के अंतिम वर्ण को जब मिलाते हैं तो वहाँ से या वा और रा ध्वनि उत्पन्न होती है, या वा और रा ध्वनि उत्पन्न होती है। यद्यपि यदि धन अपि, यद्यपि द्या की बात क्या रहा है, द्यपि यद्यपि, तो हमें क्या मिल रहा है या मिल रहा है। अध्ययन अत्यधिक रीत्यानुसार प्रत्यर्पण प्रत्यंतर अत्याचार अत्यावश्यक अग्नाशय प्रत्युत्तर, क्या मिल रहा है हमें या वर्ड सुनने में मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वाव शब्द देखते हैं, मनवंतर मन मनवंतर मनु धन अंतर मनवंतर, वा मिल रहा है मनवंतर। स्वागत 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 सुधन आगत स्वागत, ठीक है। मध्वालय सध्वाचार मध्वाचार धात्विक। रा की बात करते हैं, रा कैसे मिलेगा उसको भी हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं कुछ शब्दों के माध्यम से। पित्रानुमति त्रा में लास्ट में रा मिलता है, त्रा ता रा त्रा त्रा, ठीक है। तो क्या मिलता है पित्रानुमति पित्रानुदेश मात्रानंद मात्रादेश पित्राज्ञा पित्रादेश मात्रंग, क्या शब्द मिले हमें यण संधि में या वा और रा शब्द का जो है शब्द हमें सुनने में मिलता है जब हम यण संधि के शब्दों का उच्चारण करते हैं। अयादि संधि में हमें अय आय अव आव अवि अवि, मतलब अय और अव इसी से रिलेटेड मात्राओं का जो है चेंज करके हमें शब्द सुनने को मिलते हैं। नयन 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 अय मिला नयन 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 अय बीच में आता है, शयन चयन, ठीक है। गायक गा के बाद गायक गा प्लस आ प्लस या प्लस क गायक, आय मिला आय। विधायक विनायक नायक सायक, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या मिल रहा है आय शब्द मिल रहा है ये सुनने में। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, श्रवण श्रवण भवन गवन भवति, अब मिल रहा है श्रवण अवण, श्रा हटा दें अवण अवण श्रवण श्रवण, ठीक है। तो क्या मिल रहा है हमें अव वर्ण जो है यहाँ से मिल रहा है, गवन भवन भा भा भाग जब हम बोलते हैं तो वहाँ से हमें आ मिलता है, आगे लिखा है वन भवन भवति, तो क्या मिल रहा है अव शब्द हमें मिलता है। अवि देखते हैं, पवित्र पवित्र अवित्र अवित्र पवित्र, पा वर्ड की वजह पा जैसे ही हम बोलते हैं तो साथ में आ स्वर जरूर मिल जाता है। जब भी हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमें आ वर्ण मिल जाता है, पवित्र पवित्र, तो पा जैसे ही बोलते हैं तो लास्ट में जो साउंड आता है वो आ का आता है,
अवित्र, अवित्र तो आस और वित्र में अवि मिल रहा है हमें, तो ये क्या है, अयादि संधि है। गवीश, गा के साथ आ होगा, गवीश अवि अवि, गवीश रवीश। पावक, पावक धावक पावन, पावक पावन धावन, क्या मिला है, आव शब्द की उच्चारण हमें यहाँ पर सुनने में प्रतीत होता है, यहाँ पर ये शब्द हैं। तो उच्चारण के हम लोगों ने इस वीडियो में स्वर संधि के भेद